हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुनः चर्चा करेंगे कि विभाग को ई सेवा पुस्तिका निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। बराबर मैसेज आ रहा था कि ई सेवा पुस्तिका मैनुअल बनता है, फिर सरकार ने विकल्प के तौर पर ई सेवा पुस्तिका को क्यों चुना। तो इसका एकमात्र कारण है कि मैनुअल जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश रहती थी। चाहे आप विभागीय छुट्टी लेते, मंजूर करवाते, तो वित्तीय वर्ष में उस छुट्टी में बड़ा मुश्किल आता था। और धनबाद में भी एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है मैनुअल सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ को लेकर के। और ई सेवा पुस्तिका अब सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। ये सिर्फ पारा शिक्षक या अनुबंध कर्मी या छोटे सरकारी स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए A to Z जितने भी कर्मचारी अब नियुक्त होंगे झारखंड में, उनके लिए ई सेवा पुस्तिका का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होगी और ना ही कोई दिक्कत होगा रिटायरमेंट के समय। बस यह भ्रम अपने मन से निकाल देना है कि मैनुअल सेवा पुस्तिका और ई सेवा पुस्तिका में अंतर है। कोई अंतर नहीं है। यह आपकी सहूलियत के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। इसका स्वागत कीजिए और इसका लाभ लीजिए। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद।